जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। विघ्नेश्वराय वरदा यशुराप्रियाय लंबोदराय सकला यजगाधिताय नागाननाय सुतिजाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। परम कारुणिका करुणाभरुणालय भक्तवंचा कल्पतरु अनाथस्य नाथ जगन्नाथं कपदकमलतले यधमर अनंतकोटि प्रणाम मणिमा अनंतकोटि प्रणाम। जनंकु विष्णु प्रयमणे नमई तहंक जरणि तुंडे बोलोई हरि हरि। भू जगन्नाथ दैतरि दिव्यात्मन दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर। से पतित पावनंकर दर्शन सहित सिंहद्वार शोभा ता सहित इंद्रदेवतांकर मझिरे मझिरे पुणि वर्षा मध्य पड़ुछी अपूर्व भावर सहित सिंहद्वार को केते बेले धौत करि दउछंती त केते बेले बड़ श्रीमंदिर को मध्य धौत करि दउछंती। आज्ञा आज पुणि अपूर्व रहिछि आज्ञा महाप्रभुंकर लीला। आज्ञा आज हूँ गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी उपलक्षे आपण समस्त को जय जगन्नाथ देखुवा समस्त श्रोता बंधु भक्तवृंद मान सप्रेम जय जगन्नाथ अभिनंदन। आपणकर समस्त बाधा विघ्न सबकि निवारण करंतु गणपति भगवान। आज्ञा मोद प्रिया मोद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। आज घरे घरे समस्तंकर पाखरे जे निश्चित भावरे लड्डू बा मोदक। से मोदक प्रिय मध्य गणपति भगवान विराजमान करिछंती। आज्ञा कहा जाइछि जे गणमानंकर देवता होछंती गणपति। तंकु कौन पाई कहा जाई था अग्र पूज्य कौन पाई करा जाई था से विषय जानवा सहित से महाप्रभुंकर मंदिर भितरे पूजित होती तंत्र गणेश जहाँ को कहा जाई था भंड गणेश कांची गणेश अनेक प्रकार रही से विषय तो निश्चित भाव जानवा कहीं जहाँ वर्णना करा जाई ध्यान रे। आज समस्ते मध्य ध्यान करुछंती से मोदक मध्य समस्ते पाउछंती। इठारे किंतु वर्षा उपरे वर्षा इंद्रदेवतांकर किपरि भावरे श्रीक्षेत्र उपरे कृपा कि कौन के जानी कहीं ना इंद्र गोविंद वंदापन आपणी आगो को अच्छी। आज्ञा पूर्णिमा चतुर्थी हला पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी राति पाहिले पंचमी आसंता काली पंचमी ऋषि पंचमी। आज्ञा महालक्ष्मी करिवे ऋषि पंचमी व्रत। आज्ञा अपूर्व भावर सही लीला। आज्ञा समस्ते मध्य ए ऋषि पंचमी व्रत करिवा कथा नारी माने विशेषत कहीं ए ऋषि पंचमी व्रतर स्वतंत्रता रही जहाँ को आपण काली मध्य जानिबे। आज जेहेतु गणपति पूजा रही घरे बसी मध्य वर्षा जेहेतु होउची समस्ते घरे बसी मध्य निश्चित भाव रे किए कौन कार्य करुथिबे कार्यरे व्यस्त थिबे ता सहित जय जगन्नाथ टेलीविजन माध्यम रे निश्चित भाव रे महाप्रभुंकर कथा मध्य सुनुथिबे कहीं ना या पूर्वर मध्य मोर बड़ भाई भजराम सतपति महोदयंकर मुखारविंदरु से गणपति भगवानंकर कथा आपण माने सुनुथिले। आज्ञा आम भारत शास्त्र आज्ञा आम भारत वर्षरे जेते शास्त्र रही पुराण मानंकरे मध्य
जो सबू देवादेवी नाम गुण वर्णना अच्छी से मानकर मध्यरु गणेशंकर महत्व असाधारण रही आज्ञा। सनातन व हिंदू धर्म रे गणेश को केवल जे पंचदेवता मध्य पूजा करा जाए तानु आज्ञा। अन्य एक कौनसी देवतांकर पूजा व उत्सव मध्य गणेशंकर पूजा स्मरण बिना मध्य हुए नाही। सेतिपाई कर्मकांड रे प्रथमे श्री गणेशाय नमः, श्री महागणाधिपतये नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः उच्चारण मध्य करा जाई थाए। कहिंकि तांकु उच्चारण करिबा द्वारा समस्त प्रकार विघ्नता विनाश हो जाए। पुणी जे कौनसी धार्मिक व मांगलिक कार्य मध्य गणेशंकर पूजा व्यतीत आरंभ करा जाई पारे नाही। गणेश ओ गणेश ए दृष्टि होती अग्रपूज्य, पुणी से होती सिद्धि आ समृद्धि दाता होइथिवारु समस्तंकर समस्ते तंकु पूजा करी थांती। प्रथमे विघ्नेश तंकर नाम, विघ्न को संपूर्ण भाव निवारण कर दियंती। विघ्न जस्य ईश विघ्नेश, विघ्नता को जे निवारण कर दियंती संपूर्ण भाव हटे दियंती से होती विघ्नेश। विघ्नेश होइथिबारु गणेश को प्रथमे पूजा करी कार्य आरंभ करा जाय थाय। कहा जाय छि जे महाप्रभुंकर अनेक पुराण कथा अपन माने जानिथिबे, पद्म पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण आदि रे गणेशंकर जन्मर लीला कथा वर्णना करा जाय छि। आहा तंकर वर्णना जते बले आसी थाय किपरि भावरे समस्ते ताजि पुष्पांजलि मध्य देथिबे, से ध्यान को मध्य निश्चित भावरे समस्ते पढ़िथिबे आज्ञा। अनेक रहिछि आज्ञा, एक दंताय विधिमहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदया देइजा। निश्चित भावरे समस्ते नने गंगणपतये नमः कहिकि मध्य पुष्पांजलि देइ परिबे। किंतु तंकर जो ध्यान रहिछि गणेशंकर, खरबं स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं पश्यांत मधुगंधर्लुप्त मधुप व्यालोल गंडस्थलं दंताघात विदारितारि रुधिरे सिंदूर शोभाकरं वंदे शैलसुतां सुतां गणपति सिद्धिप्रदं कामदं। खर्बं स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं, ये संपूर्ण भाव देखिब महाप्रभुंकर जिते प्रकार रही अनेक शिक्षा अच्छे गणेशंकर मूर्ति रे आज्ञा। तंकर मुंडटी बड़, ये कौन शिक्षा दियंती आज्ञा, बड़ सोच चिंता करने सदा सर्वदा बड़ बड़ चिंता कर। आखि महाप्रभुंकर छोट छोट कौन करती ना सदा सर्वदा कामरे ध्यान दियो, छोटा छोटो ठारु छोटरु काम को आपण मध्य बड़ भाविकी करिबा पाई। आउ महाप्रभुंकर जे कि कान, कान होछि बड़ मध्य महाप्रभुंकर कान मध्य आखिठारु कान बड़। कान कौन ना शुणिबा पाई, शुणिबे जहा तकु जेपरि भावरे विराट रूप को दबा पाई चिंता करंतु। आंकर शुंडटी, शुंडटी देखिथे बंका, कहीं जीवन रास्ता टी आज्ञा बंका ताकू सदा तथापि आप सुंदर भाव चलवा को पड़ा। ये भाव अनेक प्रकार कथा रही आज्ञा। से तो तुलसीदास अपूर्व भाव सहित प्रथमे गान कर आज्ञा, गाइए गण पति जगवंदन गाइए गण पति जगवंदन
शंकरा सुमना भा बानी के नंदना शंकरा सुमना भा बानी के नंदना गाइए गाना पति जग वंदना सिद्धा साधना गाजा बदाना विनायक सिद्धा साधना गाजा बदाना विनायक कृपा सिंधु सुन दरा सबलायक जे होती शंकरंकर सुता पार्वतींकर नंदन से होती सिद्धि बुद्धिर दाता से होती आम मानू सदा सर्वदा कल्याण करंतु सिद्ध सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक सदा सर्वदा कृपा सिंधु कृपार सिंधु करुणार बंधु सेपाई कृपा सिंधु बोली कह जाए कृपा सिंधु सद आउ कौन ना मोदक प्रिय मोद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता से मोदकर प्रिय आउ मोदक प्रिय मद मंगलदाता से भाई भाव तंकु मध्य मोदक प्रिय कुआ जाई थाए मोदक प्रिय काईकी ना तंकर नाम जेपरि भाव रे अनेक प्रकार रही छे ग्या मोदक प्राय तंकर वाहन मुसिक ओ महासुर विनाश ज्ञान दाता बोली कुआ जाई थाए सेति पाई से मध्य मुसिक कर प्रिय मध्य मोदक हितबा द्वारा तंकर मध्य प्रिय होछि मोदक अनेक कथा रही मोदक को नहीं कहानी मध्य से भली भावर सहित आपण जे देखिबे महाप्रभुंकर वक्रतुंड नाम जो रही वाहन जपरि भावरे सिंह से महिषा कह मत्स्य सुराधि निहित करिबा द्वारा तंकर तुंडटी वक्रतुंड होइछि इवली भावरे अनेक कथा रही आज्ञा गणेशंकर कथा कहिले आज्ञा सरे नाही से जे मध्य चतुर्थी जेते चतुर्थी अच्छी से चतुर्थी रे केना प्रत्येक मासर कृष्ण पक्ष रही शुक्ल पक्ष रही दुईटी तिथि रही दुईटी पक्ष जहाँ कहुए तिथि तो कहले आरंभ होता है प्रतिपदारु अमावास्या पर्यंत प्रतिपदारु पूर्णिमा पर्यंत समाप्ति होता है किंतु तिथि जो कहगला से भाई भाव गणेशंकर प्रिय तिथि हूँ कौ तिथि ना चतुर्थी तिथि जेतु आज चतुर्थी तिथि जापे आज किपर भाव चतुर्थी तिथि ना ये हूँ भाद्रव मासर शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से भाई भाव जो सबु मासर शुक्ल पक्षर चतुर्थी तिथि रे गणपति भगवान को पूजा अर्पण करें समस्त प्रकार विघ्नता नाश हो महाप्रभु मंदिर भितर आज्ञा पैंचाशी जगार गोटे नुह पैंचाशी जगार गणपति भगवान रही भितर मुख्यतः महाप्रभुंकर गणपति भगवान मंदिर तीनोटी नृत्य गणेश बट गणेश भंड गणेश आज से भंड गणेश तंत्र गणेश कांची गणेशंकर विषय निश्चित भाव जानिबा किपरि भाव कांची छाड़ी एठा को आसीबार रहस्य कौन कहीं आसिले किपरि भाव आसिले किए नहीं कि आसिले कारण कौन समस्त प्रकार जानिबा कथा कहीं जिते प्रकार रही आज्ञा ऐश्वर्यता महाप्रभुंकर संपूर्ण भाव परिप्रकाश हो
कांची गणेश केउठारे विराजमान करिसंती एतेबेले आपण मंदिर को परिक्रमा करूथिबे विमला मंदिर विमला मंदिर पाखरे वेणुमाधव पाखरे गोपेश्वर पाखरे क्षीरचोरा गोपीनाथ जपरि भाव साखी गोपाल परे परे अछंती किए ना भंड गणेश बा कांची गणेश से होती पुनर्वार आपण सेपटु जदि आसिबे क्षीरचोरा गोपीनाथंकर परे परे महाप्रभुंकर गणपति भगवानंकर दर्शन प्राप्ति होइथाय। जेतेबेले कांची गणेशंकर कथा आसी थाय एकुने सुंदर कहानी टी आज्ञा गण गणेशंकर कुने कौन कहानी निश्चित भावरे कांची विजय कथा आपण माने जानिथिबे। कांची विजय किए करथिले ना पुरुषोत्तम देव राजा पुरुषोत्तम देव कांची रु भंड गणेश तंकर नाम भंड गणेश सबू रहस्य आपण माने जानिपारुथिबे। महाप्रभुंकर सिंहद्वार शोभा को आपण माने मध्य देखुचंती कांची गणेश बा भंड गणेश बा तंत्र गणेश काहिंकि एभली भावरे महाप्रभुंकर पाखरे पुणि तंत्र गणेश किपरि भावरे कुहा जाइछि जे जेतेबेले प्रथम आपण जीपे जेतेबेले कथा आसी थाय गवेषक मानंकर मत राजा पुरुषोत्तम देव 1447 ख्रीष्टाब्दरे राजा भावरे अभिहित हला परे परे जेतेबेले राजांकर सहित कांची राजा किए थिले ना सालुअ नरसिंह सालुअ नरसिंहंकर झियो थिले पद्मावती अतीव सुंदर ता सहित पुरुषोत्तम देव देखी तंकु मध्य विवाह करिबा पाई मनस्त करिथिले। जेतेबेले सालुअ नरसिंह कौन करिछंती आगमन करिछंती सेतेबेले सालुअ नरसिंह जेतेबेले आगमन करिछंती देखिले जे पुरुषोत्तम देव कौन करुछंती ना महाप्रभुंकर रथयात्रा समय रथयात्रा रे से कौन करुछंती जांकर काम कौन गजपतिंकर काम छेरा पहरा करिबा आगे सया मध्य करुछंती छेरा पहरा करुछंती। सालुअ नरसिंह जेतेबेले देखिले जे राजा हेई झाड़ूदार काम एक कथा देखी कहले नाई नाई मोर झियो को बाहा देवी नाही चांडाल को एक कथा जेतेबेले राजा जानिले पुरुषोत्तम देव सेतेबेले कहले ये तो मोर अपमान नुह ये महाप्रभुंकर अपमान युद्ध पाई घोषणा कले सालुअ नरसिंहंकर पाखकु से भली भावरे युद्ध पाई घोषणा कले देखिए चांडाल आपणकु आक्रमण करिबा को जाउछि आपण निज को निजे रक्षा करंत तांकर मध्य सैन्य सामंत अति अपरिजाप्त से होछंती गणपति भगवानंकर प्रिय भक्त सेतिपाई सेपटे सालुअ नरसिंह देव मध्य प्रस्तुत हेले दुई रु तीन थर पर्यंत आया कांची उपरे आक्रमण करिबा परे परे मध्य कांची आक्रमण करंती पुरुषोत्तम देव कौन करंती आजि जेतिकि सैन्य माने हत्या होइथिबे काली पुनर्वार पूर्ण होइ जांती कौठु आसंती बोली समस्ते भावंती कांची गणेशंकर संपर्क करे कांची कावेरी एक कौतुकप्रद वर्णना परिदुष्टित होई थाय पराजय सुनिश्चित जानी
कांची राजा युद्ध भूमि को पलायत हेबा बेले इष्ट देवता गणपति को स्मरण करिवारु से रात्र अर्धरे कांची सेना सह मिसी युद्ध करुथिले कथा मध्य आसी थाए। जगन्नाथंकर पाखरे आसी बारंबार पराजय हेबा परे परे पुरुषोत्तम देव कहिले मोर पराजय कौन तुम्हार पराजय नुह मु हारी जाऊछी बारंबार यहारिवा कौन आपणकर नुह यदि आपण जदि चाहती ता निश्चित भाव आपणकर बाना उड़ब। तापरे महाप्रभु बाहर आज्ञा बाहर संकेत मध्य प्रदान करदे स्वप्नादेश करी जानतु बोली कहिले थर विजय हबो ना आपण नगले मु जितिबा से संभव नुह तांकर इष्ट देवता से युद्ध भूमि रे उल्लेख पड़िछंती आज्ञा आपण तो हेउछंती मोर इष्ट श्रेष्ठ विशिष्ट आपण किपरि भावरे जिबे नाही। पुरुषोत्तम देवंकर कथा सुनी महाप्रभु आज्ञा कौन कले ना कला धला घोड़ा चढ़ी आज्ञा गले देखु किपर भाव गले तो गले पुणी सूचाई देले मुझे बोली माणी का पाटणा आज्ञा वृत्ति एम पोषे कुटुंब वृत्ति रे से माणी का कौन करे ना दही बिकु थाए। महाप्रभु देखु दही आज बिक्री होना माणिकर माणिक बसी सियाड़े शाशु घेरे घेरे हे जदि बिक्री न हुए कौन करा जीव ग्राहक कहीं आसुना एत बड़ खरारे कहीं सैन्यर घोषणा करते युद्धर घोषणा करा जाई किए कहीं आसव किए बाहर को बाहर राजा समस्ते धरी नहीं जाऊँगी कहीं बाहर को आसुना किपर भाव देखिले दुई दुई जन कला उधला घोड़े चढ़ी आसिले आोष करुची किसी मिल कि ना दही अच्छी पिंतु दही पीले आज्ञा माणिक जाने कि प्रभु ये किंतु प्रभु जानती ये भक्त बोली माणिकर कथा आज्ञा स्वतंत्र भाव रही आज्ञा माणिक ठारू महाप्रभु दही पीले माणिक कहला आज्ञा वृत्ति एम पोषे कुटुंब वृत्ति द्वारा कुटुंब पोषुची आपण किसी न देले मु छाड़ी भी ना आम पाखर तो किसी ना ना कि ना आपण मुकुट पिंचंती एते सुना रूपा पिंचंती ना कौन ना आम पाखर कौड़ी ना कौड़ी ना मुझे कौन करी आपण कि नुह संपूर्ण भाव दही पीले सेतेले कला धला गोड़े चढ़ीवा महाप्रभु कालिया शांत मुद्रिका को प्रदान करिगले कहले ये मुद्रिका को आपण पछरे आसुचंती राजा तंकु देखिले सी आपण को पैसा प्रदान करिवे आपण मुद्रा प्रदान करिवे। तापर राजा आसीबा परे परे देते बले मुद्रिका को देखैचंती सेते बले राजा चिन्ही पाइले ये मुद्रिका आउ कहार नुह ये मुद्रिका केवल मो महाप्रभुंकर महाप्रभु गले बोली संकेत दे जाइछंती संकेत सदृश ये मुद्रिका दे जाइछंती से छप्पन पौटी व्यंजन खाइबा देवता से साधारण दही पानी को पीवा पाई इच्छा करी थांते केवल मते सूचाई दबा पाई धन्य हेली जहाँ को एत सेवा करी पंडा पड़िहारी माने नयन देखी पारु नहांती माणिक तू आज धन्य हो गलु सुचक्षु देखिलु पुणी तो हाथ रु महाप्रभु खाइले ये मुद्रिका को तते देइछंती तू रख केते पैसा चाहुचु ने अपर्याप्त धन देले से पाटणिया गाँ को माणिक पाटणा बोली नाम रे नामित करागला। महाप्रभु जाई पहुंची गले युद्ध क्षेत्र रे आज्ञा से भली भाव रे सेठारे थिबा इष्ट देवता गणपति देखिले जे
जगन्नाथ आसीबा परे परे जगन्नाथ को देखिबा परे जगन्नाथ श्वेत शंख दारु अश्व हठात मंजरी बा माजारी भली देखा गला काकू ना गणेशंकर थिबा बाहन मूषिक को मूषिकर भय कहाकू मूषिकर भय हूँ मार्जारी को धला कला मार्जारी जेतेबेले देखा जाइछि मूषिक धाइला सेतिपई कुआ जाइछि कर कर हसंति जे से राउत बेनी भाई जुहार गणनाथ तुम्भे थिल कि न चिन्नी हे गणनाथ तुम्हें चिन्ह नथिल कि चिन्ह पारिलनि कि तापरे गणपति भगवान सेठी पड़ी जाइछन्ति पड़ी जाई सारा पर तांकर समस्त प्रकार भंड गणेश को मुंड लगारे धन पार्वती को विवाह काले हेले वरण बोली कहा जाइछि भंड गणेश बोली कहा गला काहेकि भंड गणेश टिके असुविधा लागिव भंड गणेशंकर कथा तांकर मूर्ति टी सेई बोली बाबरे आज्ञा कहा जाइछि गणेश कांची रु अणा जीवा एक जनश्रुति भाव में ग्रहण करवा उचित अन्य केतकंकर मतरे ये मणे मणि आउछन्ति गणेश जो तंक पाखरे थिबा संपूर्ण भाव में देखिबे गोटे देवीटी विराजमान करिछन्ति कोडरे तंकर सुंडटी तंकर जौनांगरे संपूर्ण भाव में परिवेष्टित होइछि तंत्र पद्धति रही द्वारा कहा जाए ब्रह्मा निज त्रुटि हृदंगम करी विघ्नेश्वर वंदना पूर्वक पुणी सृष्टि रचना करने जो कथा आसी आज्ञा ये कथा को समस्ते जानवा दरकार कहा जाए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पूर्वर से रही बोली कहा जाए था सेतिपाई गणपति भगवान क्यों अनादि कालु सेतिपाई कह तुमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि तुमेव केवलम कर्तासि तुमेव केवलम धर्तासि तुमेव सर्वम खलिदम ब्रह्मासि तुम साक्षादात्मासि नित्यम रुदम वच्मि सत्यम वच्मि अवतो माम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम आपण होचंति सबु किछि तुम ब्रह्मा तुम विष्णु तुम रुद्र तुम अग्नि तुम वायु तुम सूर्य तुम ब्रह्म भूस्वरम गणादेन पूर्व मुच्याद्यम वर्णानी तदनुतरम अनुस्वार परतरह अर्धेन्दुलसितम तारेण रुद्धम एतेद्दमनुस्वरूपम गकार पूर्व रूपम अकार मध्यम रूपम अनुस्वारस्यन्त रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नाद संधानम ओंकार रे मध्य तंकु से बोली भावरे लिखा जाई था ओंकार रे मध्य तंकु पूजा करा जाई थे तुमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि कहा जाई थी से बोली भावरे गंगणपतये नमः से बोली भावरे ब्रह्मा विष्णु शिवंकर पूर्वरु से रही छंती बोली कहा जाए तंकु आराधना करी ब्रह्मा सृष्टि कार्य प्रवृत्त होइथिबारु विघ्नेश पूजा पाउछन्ति कहा जाइछि नदी माने समुद्र को पर्वतगामी हेले ब्रह्मांकर सृष्टि रे ब्रह्मा निजर त्रुटि को हृदंगम करी विघ्नेशंकर वंदना पूर्वक पुणी सृष्टि रचना कले एही विघ्नेश अजोनी संभूता ये जोनी ए द्वारा मध्य प्रकट होइनांति ये होचंति अजोनी संभूता जेतु अजोनी संभूता संभूता हेतिबा द्वारा शिवंकर अवर्तमान रे से स्वेच्छा रे पार्वती कूलमंडन करिथिले जेपरि भाव रे महाप्रभु तंकर अनेक रूप रहिछि तंकर इच्छा हला देवकी वसुदेवंकर कूल रे आगमन करिबा पई सेतिपाई तो कह जाए भय प्रकट गोपाला दीन दयाला
कौशल्याहितकारी हरषिता महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जेपरि भाव रे विष्णु प्रकट होइथांती सेवली भावर सहित ये मध्य गणपति भगवान प्रकट आज्ञा प्रकट होइथिबा द्वारा ये संपूर्ण भाव रे महाप्रभुंकर सेवली भाव रे शिवंकर अवर्तमान रे ये स्वतंत्र जिते प्रकार रे कथा रही सेवली भाव रे शिवंकर पार्वती विवाह रे मध्य तांकु मध्य प्रथमे पूजा करा जाय थाय। शिव पार्वतींकर विवाह परे तो गणपति भगवानंकर जन्म ना, किंतु शिव पार्वतींकर विवाह पूर्वरु गणपति भगवान रही थिले आज्ञा। सेति पाई तो कहा जाय आज्ञा कण भंड गणेश को मुंड लगा रे धन पार्वती विवाह काले हेले वरण। पार्वती विवाह काल रे ये मध्य वरण होइथिले पूजा मध्य होइथिले सेति पाई इंकर कथा मध्य स्वतंत्र भाव रही अष्ट सिद्धि पाई यहांकर उपासना करा जाय थाय। श्री तत्व निधि रे बत्तीसी प्रकार गणेशंकर वर्णना रही केते प्रकार बत्तीसी प्रकार गणेश भंडवा कांची गणेश विग्रह कर्णाटक मूर्ति निर्माण शैली रे सबहु साम्य रक्षा करी एक कला मुगुनी प्रस्तर निर्मित भंड गणेश बा कांची गणेश बा तंत्र गणेश ये गणेश पूर्वाभिमुखी पूर्व को मुख करी विराजमान करी छंती आज्ञा। आज दिन रे निश्चित भाव रे गणेश को चिंता करिबा दरकार सेति पाई कहा जाइछि गणेश को चिंता करिबो किपरि भाव रे महाकाय धरम देव विघ्नेशम विघ्ननाशकम परशु मालिका हस्तम निज लिंगाग्र मर्दनम मर्दक कोडे सिद्धि महादेवी मालिंगम बपुरारयतम उधंगा विग्रह वंदे सुंडनम सिद्धिदायकम। गण कहिले कौन ना देवगण पितृगण आउ कौन ना नरगण तीनोटी गण कथा आसी थाए राक्षस गण देवगण आउ नरगण इमानंकर देवता होती गणपति भगवान कहीं गण पति पति अर्थात श्रेष्ठता बोली कह जा गण मानकर जी श्रेष्ठता से होती गणपति से वैदिक मंत्र रे कहगला गणानाम त्वा गणपति गुम्हवामहे प्रियाणाम त्वा प्रियापाति गुम्हवामहे निधीनाम त्वा निधिपाति गुम्हवामहे वसो मम अहम जानी गर्भधमात्मजा श्री गर्भधम्मा। सेभली भावर सहित तंकर मध्य वर्णना करा जाइछि सेइथिपाई महाप्रभुंकर जते प्रकारर कथा जते रहिछि तत्व गणेशंकर तत्व हेउछि स्वतंत्र और सर्वतंत्र मध्य कारण जो भली भावरे गणपति भगवान को जे डाकिछि से निश्चित भावरे से भली भावरे प्राप्ति होइछि। आपण माने मध्य गणेश पति को चिंता करूथिबे
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିନାଶ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଭାବର ସହିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। କାରଣ ଗଣପତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏପରି ଭାବରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ଭିତରେ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ଗଣେ ନାରାୟଣୀ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର ତଥା ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା ରହିଛି, ସେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧିଦାତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟଦାତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବିଦ୍ୟାର ସ୍ରଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ବିଦ୍ୟା ନଥିଲେ କିଛି ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଥିବ, ରୂପ ଥିବ, ଗୁଣ ଥିବ, ଯଦି ବିଦ୍ୟା ନଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିଦ୍ୟା ନଥିଲେ ଏ ସବୁ କିଛି ଅଭାବ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଯେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଲୀଳାକୁ ଥରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଗଣପତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଦକ ପ୍ରିୟ, ସେ ମୋଦକ ପ୍ରିୟ ହେଇଥିବା ଦ୍ୱାରା, କାହିଁକି ନା ରାଶି ଲଡ଼ୁରେ ମୋଦକ ତିଆରି ହୁଏ ଏ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବେ ତ କ'ଣ ମଇଦା ଫଇଦାରେ କାହା ଦରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋଦକ ଅର୍ଥାତ ରାଶି ଲଡ଼ୁ, ରାଶି ଲଡ଼ୁରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ରାଶି କହିଲେ ଇଏ ଯେପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣପତି ଭଗବାନ, ରାଶି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ଯେହେତୁ ରାଶି, ପ୍ରଥମ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ରାଶିର ଏପରି ଭାବରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ରାଶିରେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଶି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ, ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ, ତା ସହିତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାଶିର ଲଡ଼ୁକୁ ପୁଣି କାହା ସହିତ ନା ସାକର କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ସହିତ ତାକୁ ଯଦି ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ ତା'ର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଗଣପତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯଦି ଖାଇବେ, ଯେଉଁ ପିଲାର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଶିର ଲଡ଼ୁ, ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେପରି ଭାବରେ ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଝେଇ ଦେଇ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ତା ଦେହରେ, ଯେପରି ଭାବରେ କାହିଁକିନା ରାଶିକୁ ଛଡ଼ି ଦେଇ ଛଡ଼ା ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ତ କେବଳ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ତ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଘରର ଖାଦ୍ୟ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା? ଘରେ ଆଉ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ହେଉଛି, ଲଡ଼ୁ କିଣି ଆଣ, ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ, କେବଳ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଆଜ୍ଞା ଭୋଗ ହେଉଛି। ରାଶି ଲଡ଼ୁ ରାଶିକୁ ପାଗ କରିବା, ତା ଦେହରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା, ଏ ଆଉ କୌଣସି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନି। କାରଣ ଏ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା,
ता सहित मध्य एबे मध्य आजिर दिन रे भोग लागिव पुने राधा अष्टमी रे मध्य भोग लागिव एबोले भाव रे अनेक समस्त मध्य आगु को राधा अष्टमी मध्य आसुची अष्टमी जेतु आज आ 4 दिन परे परे अष्टमी आसी दिव आज चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी राधांकर पादरु भाव आ गया खाली राधांकर जन्मदिन नु आ गया से दिन मध्य भागवत रचना करितिबा परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुतिब नित्य जगन्नाथ दास आज्ञा भक्ति भाव जाने जगन्नाथ जगन्नाथ दासंकर मध्य से दिन जन्मदिन ता सहित अनेक रही मंदिर मध्य राधाष्टमी पालन करा जाय थाय आज मध्य से भली भाव रे मंदिर रे मध्य गणपति भगवानंकर पूजा अर्चना चली आज्ञा क्यों क्यों स्थान रे गणपति भगवान विराजमान करिछंती आपण तीनोटी मंदिर रही ता सहित अनेक स्थान रे जो रहिछंती आज्ञा भीतर बेढ़ा बाहर बेढ़ा भीतर बेढ़ा कहिले कुर्म बेढ़ा जहाँ कुआ जाए था से कुर्म बेढ़ा रे 23 स्थान रे विराजमान करिछंती विमला मंदिर प्रवेश द्वार रे वाम पार्श्व रे एक ठणारे नृत्य भंगी रे एक क्षुद्र गणेश दंडायमान विग्रह पूर्वाभिमुखी अटंती आ सेठारे मध्य जगमोहन रु भीतर गंभीरा प्रवेश द्वार रे डाहाण पार्श्व कांथरे एक क्षुद्र गणेश मूर्ति दक्षिणाभिमुखी पूर्वक उपवेशन करिछंती विमला मंदिर रे 2 गणेश ता सहित बट गणेश मंदिर दक्षिण पूर्व दिगरे थिबा हरिसहदेव मंदिर दक्षिण पार्श्वरे देवता माने जो विग्रह विराजमान करिछंती सेठारे मध्य रहिछंती किए गणपति भगवान सर्वमंगलांकर मंदिर रे जगमोहन एक जगमोहन रे क्षुद्र गणेश मूर्ति मध्य स्थापित होइछंती मंदिर भितरे ता सहित भीतर बेढ़ास्त पंच महादेवंकर मंदिर रे मार्कंडेश्वरंकर मंदिर भीतर कांथरे पूर्वाभिमुख एक क्षुद्र गणेश मूर्ति पूजा पाई आसुचंती मंदिर कांथरे ता सहित एठारे पाउथुबा कांथरे पूजा मध्य पाउचंती इंद्राणी देवींकर मंदिर प्रवेश द्वार वाम पार्श्वरे एक दक्षिणाभिमुखी मूर्ति रे गणपति भगवानंकर एक चित्र गणेश पूजा पाउचंती कहीं चित्रमय लेपमय लोहमय बा धातुमय विग्रह रे महाप्रभु पूजा पाई थांती चित्र प्रतिमा के माटी रा मूर्ति आज्ञा पूजा करी थांती आज मध्य ता सहित आ गोटे कथा समस्ते जानिबा दरकार जेपरि भाव रे शालग्राम भगवान हेउछंती गंडुकी शिलारे पूजा होई थांती गंडुकी रु जो आसी थाए पथर ताकू शालग्राम को आई था नारायण पूजा पाई थांती से भली भाव रे आपण देखिबे अच्छी से भली भाव रे शिवंकर मध्य पूजा पाई थांती नर्मदे शिला नर्मदा नर्मदेश्वर जो अछंती नर्मदेश्वर बोली कहा जाय थाए नर्मदा नदी रु जो समस्त प्रकार रो पत्थर भारी थाए ताकू मध्य देवदेव महादेव पूजा पाई थांती से भली भाव रे गोटे शिलार नाम होची स्फटिक शिला जाद्यरे सूर्य नारायण पूजा पाई थांती गोटे अच्छी सुवर्ण शिला जाद्यरे देवी पूजा पाई थांती से भली भाव रे गोटे अच्छी भद्र शिला जाद्यरे गणपति भगवान मध्य पूजित होई थांती शिला रे मध्य पंचदेवतांकर उपासना स्वतंत्र भाव रे अच्छी आज्ञा पंचदेवता 5 शिलारे मध्य पूजा पाई पारिबे इंद्राणीकर मंदिर रे मध्य चित्र प्रतिमा रही छंती श्रीमंदिरस्थ मुक्ति मंडप रे मध्य विभिन्न खंबरे 4 गणेशंकर मूर्ति मध्य रही छि 4 ता सहित
मुक्ति मंडप पछपार्श्वरे थिबा एक सरघरे गणेश मूर्ति विद्यमान मंदिर दक्षिण घर बारंडार कांथ पटरे मध्य से भली भावर सहित गणपति भगवान विराजमान करिछन्ति। इभली भावरे आपण जे देखिबे भीतर बेढ़ा पादुक कुंड जोठी अछन्ति उपस्थित एक घरे भितरे कला मुगुनी प्रस्तर पूर्वाभिमुखी एक गणेश मूर्ति मध्य विराजमान करिछन्ति। ऊर्ध को उठिले आपण देखिबे सेठारे बामन भगवान जो अछन्ति आज्ञा बराह बामन कि जो समस्त प्रकार दृश्य आपण देखिछन्ति चतुर्पार्श्वरे से भली भावर सहित मध्य रहिछन्ति। आउ ठीक जीवन मध्य जागा रहिछ आज्ञा जिते प्रकार महालक्ष्मी मंदिर जगमोहन उत्तर पट कांथरे एक पंचमुखी गणेश चित्र प्रतिमा मध्य शोभा पाउछन्ती सहित श्रीमंदिर कोठ भोग गोदाम घर जहाँकि लक्ष्मी मंदिर को लगी आज्ञा निजर कला मुगुनी प्रस्तर निर्मित एक दक्षिणाभिमुखी गणेश विद्यमान अच्छा देखिए इठार जो कल्पवटर जो बट गणेश ये मध्य मुखटी आज्ञा के दिग को ना दक्षिण दिग को गणेश को दक्षिण दिगरे दर्शन दक्षिण दिगर मुख को गणेश को दर्शन कले विभिन्न प्रकार न होता कार्य जाए तार प्रमाण अच्छे से भाई भाव में वहीपाताल मंदिर पछपार्श्वर एक थिबा एक सरघरे गणेशंकर एक चित्र प्रतिमा पूजा पाउछन्ति। पातालेश्वर मंदिर भितर पूर्वाभिमुख एक गणेश मूर्ति विद्यमान प्रतिहारी निजोग भितर चारोटी गणेश विग्रह रहिछन्ति। एथिमध्यरु तीनोटी विग्रह दक्षिणाभिमुखी गोटे विग्रह पूर्वाभिमुखी पूजित होउछन्ति। भोगमंडप उत्तर पार्श्वस्थ राधा कृष्ण मंदिर भितर एक षडभुज गणेश मूर्ति मध्य विद्यमान अछन्ति पूजित होउछन्ति। मंदिर भितर को जो माने जाउछन्ति निश्चित भावरे पूर्व द्वार रे मध्य से भली भावरे गुमट कांथरे मध्य गणेश विग्रह विराजमान करिछन्ति। तेंकर दर्शन करि समस्ते मध्य जाइथान्ति भली भावर सहित अनेक स्थान रे गणपति भगवान विराजमान करिछन्ति। काशी विश्वनाथ मंदिर रे मध्य गणेश से भली भावरे पीतलर गणेश पूजा पाउछन्ति। आउ सेठारे प्रायत तीनोटी गणेश विराजमान करिछन्ति तेंकर मध्य पूजा अर्चना से भली भावर सहित मध्य अनुष्ठित होइथाय। गणेशंकर कथा कौन कहिबा संपूर्ण भावरे नमो गणेश विघ्नेश गिरीजा नंदनम प्रभु मम विघ्न अर्थात समस्तंकर विघ्न को से भली भावर सहित निवारण करंतु सेतिपाई को आज विघ्नो धंत निवारणी कतरणे विघिनाटवीर हव्यवाड विघिन व्यालकुलाभिमान गरुडो विघिने वंचानन विघिना तुंदगिरे प्रभेदन पवे विघिनाम्बुजे वाडवो विघिना घौगना प्रचंड पवना विघ्नेश्वरा पातु माम विघ्नेश्वरा पातु माम। समस्तंकर गणपति भगवान विघ्नता विनाश करंतु सिद्धि बुद्धि को प्रदान करंतु समस्तंकु से भली भावर सहित रक्षा करंतु शिक्षा दियंतु आउ से भली भावर सहित समस्तंकर समृद्धि हेथाउ एतिकी आजि गणपति भगवानंकर पाखरे प्रार्थना कहिंकि ना
महाप्रभु सदा सर्वदा समस्तंकु सुबुद्धि दियंतु आज्ञा कुबुद्धि तो एभली भाव में समस्त को आपे आपे प्राप्ति हो जाए थाए किंतु सुबुद्धि एत शीघ्र प्राप्ति हुए ना से चिंतन करवा दरकार महाप्रभु गणपति भगवान को चिंता कले सदा सर्वदा बुद्धि मध्य शुद्धता आसीज ज्ञानर शुद्धता आसीज महाप्रभुंकर से गणपति भगवान को चिंता करवा सहित महाप्रभु निजे मध्य आज्ञा गणपति जगन्नाथ महाप्रभु गणपति भगवान आज्ञा से विनायको विघ्नराज विघ्न विनाशकम दारु ब्रह्म स्वरूप हे श्रीनीलकंदर भक्तानां इष्टदायकं गजवक्त्रं धरम नमो नमो गजानन विघ्नराज से निजे हेउछंती विघ्नराज विघ्न को विनाशन करिथंती सेतिपाई निश्चित भावरे तंकु आपण माने मध्य स्मरण करंतु आसंतु महाप्रभुंकर नाम संकीर्तन करिबा ता सहित महाप्रभुंकर रूप को चिंता करिबा लावण्य को चिंता करिबा सिंहद्वार को देखुतुबा महाप्रभुंकर नाम को संकीर्तन करी प्रथमे कार्यसूची को देखिबा तापरे महाप्रभुंकर नाम संकीर्तन करी मधुरात मधुर भजन श्रवण करिबा जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ पाहि मां जगन्नाथ त्राहि मां जगन्नाथ पाहि मां जगन्नाथ त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। खरा वर्षा और झड़ को खातिर न करी।